ये स्टोरी इन अ टनल ऑक्सफोर्ड प्रेस की है और इसमें एडिथ नेट स्मिथ जिन्होंने स्टोरी लिखी है उन्होंने चिल्ड्रंस ऑफ रेलवे एक सीरीज है उसके अंदर से ये बुक के अंदर से ये है। तो हम इसको देखते हैं स्टोरी के अंदर कि इसमें एक चीज़ बताई गई है कि बच्चे होते हैं उनके बारे में वो लिखा हुआ है। 3 बच्चे होते हैं तो वो सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है कि अगर हम टनल में से पास होते अगर गाड़ी में होते तो हमें कैसा महसूस होता और गाड़ी से बाहर होते तो कैसा महसूस होता और गाड़ी के बाहर होकर के अगर हम उन 3 बच्चों के बाद मेरे बारे में बात बताई हुई है कि वो किस तरीके से उस टनल के अंदर चिपकते हैं एक साइड में गाड़ी से बचाव के लिए और किस तरीके से गाड़ी उनके पास में से गुजरती है ये सारी स्टोरी इस बारे में बताई हुई है। तो हम इसको पढ़ते हैं इन अ टनल शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इन टू अ टनल इज़ लाइक। वास्तव में हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किस तरीके से जैसे कि टनल में से क्या होता है। द इंजन गिव अ स्क्रीम इंजन गिव्स अ स्क्रीम एंड देन सडनली द नॉइज ऑफ रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंज एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर। इंजन जो है बहुत लंबी चीख देता है और रैटलिंग रैटलिंग मीन्स मेक अ नॉइस लाइक हार्ट थिंग हिट ईच अदर। जब दो चीज़ें एक दूसरे को टकराती हैं तो किस तरह की आवाज होती है दैट इज़ रैटलिंग रैटलिंग ट्रेन छक 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 दैट इज़ रैटलिंग साउंड। ट्रेन चेंजेस एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर। ये जो है ट्रेन जो है अपनी आवाज़ को चेंज करती है किस तरीके से टनल में और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आप कभी भी उसमें कमरे में जाते हैं तो आवाज़ आपकी अलग तरीके की हो जाती है यानी वो ज़्यादा फैलती नहीं है उसी एरिया में रहती है। ग्रोन अप पीपल पुल अप द विंडोज़ एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रेप। ग्रोन अप मतलब जो समझदार लोग होते हैं एडल्ट पीपल होते हैं वो गाड़ी में होते हैं तो वो विंडो को बंद कर देते हैं स्ट्रेप से। स्ट्रैप वो उसको रस्सी टाइप में जो 1858 के आसपास जो जिस तरह की ट्रेन होती होंगी उसके अंदर। द रेलवे कैरीज सडनली ग्रोज लाइक नाइट विद लैम्प। जो रेलवे के कैरीज होते हैं जो डिब्बे होते हैं अचानक से उसके अंदर से इस तरीके से लगते हैं जैसे रात हो गई हो। जब टनल में से पास होते हैं तो लगता है कि रात हो गई हो विद लैम्प। ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन अगर आप धीमी लोकल ट्रेन में हैं इन विच केस लैम्प्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड जिसके अंदर की लैम्प प्रोवाइडेड नहीं होते हैं तो उनमें तो बिल्कुल अंधेरा ही लगेगा। देन बाय द डार्कनेस आउटसाइड और जैसे ही जैसे डार्कनेस बाहर जाते हैं कैरिज विंडो इज टच्ड बाय पफ ऑफ क्लाउडी वाइटनेस क्योंकि वो उसके अंदर पफ मतलब झोंका एकदम से पफ एकदम से तेज़ी से हवा का निकलना दैट इज़ कॉल्ड पफ धुएं का तेज़ी से निकलना गुब्बार बनाते हुए तो वो पफ है ठीक है। देन बाय एंड द डार्कनेस आउटसाइड द कैरीज विंडो इज टच्ड बाय पफ ऑफ क्लाउडली वाइटनेस बिल्कुल सफ़ेद स्टीम जो होती है उसकी वाइटनेस से। देन यू सी ए ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल हम वॉल के ऊपर ब्लू लाइट जैसा देखते हैं रोशनी जो निकलती है विंडो से उसके अंदर ऐसी लगती है कि जैसे कि वो बिल्कुल ब्लू हो गई हो। यू सी ए ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर और जो ट्रेन की जो वॉइस होती है वो चेंज होती है। एंड यू सी आर आउट इन गुड ओपन एयर अगेन और जब देखते हैं ओपन बाहर टनल से बाहर आते हैं ग्रोन अप लेट दर स्ट्रेप गो और वो स्ट्रेप को छोड़ देते हैं ताकि वो खिड़कियाँ खुल जाए। द विंडोज़ ऑल डिम विद द येलो ब्रीथ ऑफ टनल जो खिड़कियाँ होती है वो ऐसी हो जाती हैं जैसे कि येलो लाइट से डिम सी हो जाती हैं।
रैटल डाउन इनटू दिस प्लेसेस, रैटल मतलब आवाज़ करती हैं नीचे गिरती हुई, एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर, और हम देखते हैं डिप और कैच ऑफ मतलब वो जो कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स, पास में जो टेलीग्राफ के वायर्स, जब लाइन पहले ट्रेनें चलती थी तो उनके पास में एक लाइन, एक टेलीग्राफ की एक वायर बंधे होते थे दोनों तरफ, तो बिसाइड द लाइन दोनों तरफ, ठीक है, एंड द स्ट्रीट कट हॉथॉर्न हेजेज विद द टाइनी बेबी ट्रीज ग्रोइंग अप आउट ऑफ देम एवरी 30 यार्ड्स, और 30 30 यार्ड, 30 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर वो बने रहते थे, 30 30 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इस तरह के ट्रीज जो है वो इसके टेलीग्राफ के वायर के साथ में हैजेस कहते हैं उसको, झाड़ियों की जो लाइन होती है वो उसके साथ में रहती थी, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। रेटल डाउन इनटू देयर प्लेसेस, वो आवाज़ करते हुए उस जगह से, सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स, टेलीग्राफ वायर्स की लिमिट के अंदर, ठीक है, उसमें ऑल दिस ऑफ कोर्स इज व्हाट अ टनल मीन्स व्हेन यू आर इन अ ट्रेन, ये सारी चीज़ें तब है जब आप ट्रेन के अंदर हैं, बट एवरी थिंग इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन जब सारा कुछ बदल जाता है व्हेन यू वॉक इन टू अ टनल ऑन योर ओन फीट, लेकिन जब आप टनल के अंदर अपने पाँवों पर खड़े होकर के चलते हैं, एंड ट्रीड ऑन शिफ्टिंग, और चहलकदमी करते हैं, ट्रीड मीन्स टू पुट योर फुट व्हेन यू आर वॉकिंग, तो आप ट्रीड ऑन शिफ्टिंग, स्लाइडिंग, शिफ्टिंग यानी खिसकते हैं, स्लाइडिंग स्टोन्स एंड ग्रेवल्स, ग्रेवल्स कहते हैं छोटे छोटे पत्थर को, स्लाइडिंग फिसलते हुए ऑन अ पाथ, मतलब जो ट्रेन की पटरी होती है उसके ऊपर पत्थर होते हैं छोटे छोटे से, दैट इज कॉल्ड ग्रेवल, ऑन अ पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स टू द वॉल, शाइनिंग मेटल से वॉल की तरफ खिसकते हैं, देन यू सी स्लिमी, और वहाँ देखते हो स्लिमी मतलब चिपचिपा सा, ओजी मनी मड जैसा, लाइक मड ट्रिकल्स वाटर रनिंग, वहाँ पर जो पानी है वो बहता रहता है, भाप के इंजन होते थे तो उसमें से पानी भी हल्का हल्का सा रिसता था, तो स्लिमी कीचड़ जैसा पानी रिसता रहता, डाउन इनसाइड ऑफ टनल मतलब अंदर की तरफ रिसता रहता था, एंड यू नोटिस, और आप देखते हो, नोटिस करोगे दैट द ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन, जो ब्रिक्स है जो उसकी टनल की वो रेड और ब्राउन नहीं है, एज दे आर एट द टनल्स माउथ, जैसा कि वो टनल के माउथ के ऊपर होती हैं, बट डल, लेकिन कैसी होती है, डल होती है, मतलब कलर उनका फैड पड़ जाता है, स्टिकी, और स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है, सिकी ग्रीन, सिकली ग्रीन मतलब ग्रीन जैसी हो जाती है, क्योंकि वो भाप होती है वो जम जाती है, ठीक है, चिपचिपा सा हो जाता है, और बिल्कुल ग्रीन टाइप में काई, हल्की बहुत काई जम जाती है। योर वॉइस व्हेन यू स्पीक, और आपकी आवाज़ जब आप बोलते हैं, इज़ क्वाइट चेंज्ड, बदल जाती है फ्रॉम व्हाट इज़ व्हाट इट वॉज आउटसाइड, जब आप बाहर होते हैं उससे, द सनशाइन बाहर धूप के अंदर, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और यह बहुत लंबा टाइम रहता है कि टनल के अंदर गुजरते हुए एक लंबे टाइम तक आप को अंधेरा सा महसूस होता है। इट वॉज नॉट येट क्वाइट डार्क इन द टनल, इस समय इतना अंधेरा नहीं था टनल के अंदर, व्हेन फाइलिस कॉट बॉबीज स्कर्ट, फाइलिस जो है बॉबी की स्कर्ट को पकड़ करके, रिपिंग आउट ऑफ हाफ ए यार्ड ऑफ गैदर्स, ठीक है, वो एक साथ जब वो उसकी आधे मतलब आधे मीटर तक, यार्ड मतलब मीटर से कम ही होता है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9 मीटर होता है, तो यार्ड ऑफ गैदर्स, बट नो वन नोटिस दैट दिस एट एट दैट टाइम, कोई भी उसको इस समय नोटिस नहीं कर रहा था जब वो इसको अंधेरा होने वाला है। आई वॉन्ट टू गो बैक शी सेड, मैं वापस जाना चाहती हूँ वह कहती है, आई वॉन्ट टू गो बैक, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई वॉन्ट टू गो बैक, ठीक है, शी सेड आई डोंट लाइक, आई डू नॉट लाइक इट, मैं इसको मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, इट विल, यह फ्यूचर टेंस है, इट विल
बी पिच डार्क इन अ मिनट, ये थोड़ी देर के अंदर बिल्कुल ये जो पिच है जिस पे हम चल रहे हैं ये अंधेरा हो जाएगा, ये रास्ता जो है 1 मिनट में। आई वॉन्ट गो ऑन मैं इन द डार्क, मैं डार्क में अंधेरे में नहीं जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आई डोंट केयर वॉट यू से, मैं परवाह भी नहीं करती हूँ कि तुम क्या कहते हैं। आई वॉन्ट, मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। आई डोंट बी ए सिली कुकू, पागल मत बनो। कुकू मतलब कोयल की जैसे, कोयल का एग्जाम्पल इसके अंदर दिया कि कोयल जैसी पागल मत बनो, मतलब डोंट बी ए सिली कुकू। अपन कहते हैं ना कि जैसे गधे मत बनो, मूर्ख गधे मत बनो, यानी यहाँ पर इसने यूज़ किया सिली कुकू। कुकू जो होती है, कोयल जो होती है, वो उसके अंदर उसके अंडों के नेस्ट के अंदर जो क्राउ होता है, कौआ होता है, वो अपने अंडे दे देता है, और जब वो बड़े होते हैं तब उसको लेकर उड़ जाता है, और वो बेवकूफ़ जो होती है कोयल वो उनको भी फीड करती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोयल की जैसे मूर्ख मत हो, डोंट बी ए सिली कुकू। सैड पीटर, आई हैव गॉट ए कैंडल एंड मैचेस, मुझे कॉयल एक कैंडल और एक मैच मिली है जलाने के लिए। एंड व्हाट्स दैट, और क्या चाहिए। दैट वॉज वॉट अ लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन, यह एक धीमी कम हमिंग साउंड, यानी हम मतलब भिन भिनानी जैसी आवाज़ होती है ऑन द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के ऊपर है, ठीक है। ट्रेम्बलिंग बिसाइड इट, एक मिनट, ट्रेम्बलिंग ऑफ द वायर्स, वायर के आपस में टकराने की आवाज़, ठीक है। शेक यानी कांपने की, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपने की आवाज़ ऑफ द वायर्स बिसाइड इट। जब ट्रेन निकलती थी तो वो आपस में जो वायर होते थे वो बिल्कुल एकदम से गूंजते थे, ट्रेम्बल बजिंग हमिंग साउंड दैट ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसेंड, और वो ज़्यादा तेज़ होती गई जैसे जैसे वो सुनते गए, वो सुनते हैं, ठीक है। हमिंग साउंड ग्रू लाउडर, होती गई और लाउडर, लाउड लाउडर लाउडेस्ट, ये लाउड की तीन ये है, कंपरेटिव डिग्री सुपरेटिव डिग्री इस तरीके से। तो लाउड जो है लाउड लाउडर लाउडेस्ट इस तरीके से, तो लाउडर मीन्स पहले से तेज। इट इज़ अ ट्रेन, सेड बॉबी, बॉबी ने कहा यह ट्रेन है, ठीक है। विच लाइन, कौन सी लाइन के ऊपर है। लेट मी गो बैक, मुझे वापस जाने दो। क्राइड फाइलिस, फाइलिस चिल्लाती है रोती हुई। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाई विच बॉबी हेल्ड हर, बॉबी जिस हाथों से उसको पकड़ रखा था उससे वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है। स्ट्रगलिंग टू गो गेट अवे फ्रॉम द हैंड, उसके हाथों से छूटने की कोशिश करती है। डोंट बी अ कावर्ड, मतलब कायर मत बनो, सैड बॉबी, बॉबी ने कहा। इट इज़ क्वाइट सेफ, ये बिल्कुल सेफ है। स्टैंड बैक, पीछे की तरफ खड़े हो जाओ। कम ऑन शाउटेड पीटर, पीटर चिल्लाता है आ जाओ इधर। हु वाज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, जो कि कुछ ही यार्ड आगे था। क्विक मैन होल, जल्दी करो, ठीक है, मैन होल की तरफ। द रोअर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर, रोअर मानी गूंज जो उसकी जो होती है एडवांसिंग, यानी आती हुई ट्रेन की जो रोअर थी वो और तेज हो जाती है। देन द नॉइज़ यू हियर वेन योर हेड इज़ अंडर वाटर, जो आवाज़ इस तरह की थी कि जब आपका सिर पानी के अंदर उस समय हो जब आप नहाते रहते हैं और दोनों नल, दो दो नल आपके एक साथ चलते रहते हैं, उससे भी तेज़ आवाज़, और उस समय आप किकिंग विद योर हील्स अगेंस्ट द बाथ्स टिन साइड्स, जो आपका बाथरूम होता है उसके टिन का जो शेड होता है उसके पर अगर आप अपने पाँवों से आवाज़ मारते हैं और ऊपर से पानी गिरता रहता है उससे भी तेज़ आवाज़, उसका एक वो उसने तस्वीर बनाने की कोशिश करी है किस तरीके से। द रोअर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर देन द नॉइज़ यू हियर वैन योर हैड इज़ अंडर वाटर इन द बाथ एंड बोथ टैप्स आर रनिंग एंड यू आर किकिंग योर विथ योर हील्स अगेंस्ट द बाथ्स टिन साइड्स। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, लेकिन पीटर जो है वो चिल्लाता है अपनी पूरी ताकत से, ऑल ही वॉज वर्थ, जितनी उसमें ताकत थी। एंड बॉबी हैड हेयर्ड हिम, और बॉबी ने उसको सुना, हेयर्ड हैड हेयर्ड हिम, ठीक है, तो उसने सुन चुकी थी, मतलब शी ड्रैग्ड फाइलिस अलोंग, वह
उसकी तरफ फाइलिस, जो फाइलिस है उसकी साथ के अंदर वो मेन हॉल की तरफ ड्रैग यानी खिसकती है। फाइलिस ऑफ कोर्स, फाइलिस जो वास्तव में स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स, स्टम्बल्ड मतलब टकराता है ओवर द वायर्स, वायर से, एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स, और उसकी लेग जो है वो खुरच जाती, ग्रेज यहाँ पर मतलब होगा खुरच जाना। बट दे ड्रैग्ड हर इन, और वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, एंड ऑल थ्री स्टूड इन द ऑल थ्री स्टूड इन अ डार्क, अंधेरे, डैम्प, गीले से आर्च रेसिस, मुड़, आर्च रेसिस मतलब जो कि एक जगह होती है, ठहरी हुई जगह जहाँ पर बीच के अंदर टनल में कहीं पर ऐसा घुमावदार जगह होती है वहाँ पर। वाल द ट्रेन रोअर्ड लाउड एंड लाउड राउड लाउडर, जबकि ट्रेन जो है वो लाउडर और लाउडर होती जा, मतलब उसकी आवाज़ जो है वो तेज़ होती जाती है, इस तरीके से वो लाउडर एंड राउडर लाउडर। ड्रैग्ड हर इन द ट्रेन रोअर्ड लाउडर एंड लाउडर, तेज़ होती जाती है। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डिफेंड देम, इस तरीके से लग रहा था कि वो उनको वो बहरा कर देगी। एंड इन द डिस्टेंस, और इतने से डिस्टेंस के बाद दे कुड सी इट्स आई ऑफ फायर, वो अपनी इसके अंदर इसकी जो आग है वो देख रहे थे, ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंट, जो कि हमेशा हर हर मिनट के ऊपर क्या हो रही थी, बहुत ही तेज़ हो रही थी, एवरी इंस्टेंट एवरी इंस्टेंट। नेक्स्ट, इट इज़ अ ड्रैगन, बच्चे बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ ड्रैगन, ये ऐसी है ट्रेन लंबी सी जैसे ड्रैगन, आई ऑलवेज न्यू इट वॉज, मैं इसको जान मैं जानता था कि ये हमेशा, इट टेक्स इट्स ओन शेप इन हेयर, ये यहाँ पर अपना शेप ले लेती है, इन द डार्क, डार्क के अंधेरी जगह में, शाउटेड फाइलिस, फाइलिस चिल्लाती है, बट नोबडी हियर्ड हर, कोई भी उसको नहीं सुना। यू सी द ट्रेन, जैसे हम देखते हैं कि ट्रेन जो है वॉज शाउटिंग टू, बहुत तेज़ी से चीख रही थी, एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर्स, और इसकी जो आवाज़ जो थी वो इससे भी ज़्यादा तेज़ थी, इससे फाइलिस से। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डिड नॉट दे हियर द वॉइस ऑफ फाइलिस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर्स, ठीक है। एंड नाउ विद अ रश एंड अ रोअर एंड अ रैटल एंड अ लॉन्ग डेजलिंग फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरिज विंडोज, और अब विद अ रश, तेजी से दौड़ती हुई, और रोअर और गूंजती हुई, और रैटल यानी कि छक 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 की आवाज़, मतलब दो चीज़ों के टकराने की आवाज़, एंड अ लॉन्ग डेजलिंग, डेजलिंग मतलब चमकता हुआ लंबा सा, डेजलिंग फ्लैश, फ्लैश यानी कि एकदम से लाइट का पड़ना, ऑफ लाइटेड कैरीज विंडो, जो विंडो जो थी डिब्बे जो पीछे जो, एंड अ लॉन्ग डेजलिंग फ्लैश ऑफ लाइटेड कैरीज विंडोज, ए स्मॉल ऑफ स्मोक एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, जो उसमें से आवाज़ निकल रही थी हॉट एयर की, वो हॉट ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, द ट्रेन हर्टल्ड बाय, जो जिससे ट्रेन तेज़ी से हर्टल्ड, हर्टल्ड का मतलब होता है तेज़ी से, मतलब यूँ जैसे कि निकल जाना, मतलब तेज़ी से खतरा पैदा करते हुए। एंड नाउ विद अ रश एंड अ रोअर एंड अ रैटल एंड अ लॉन्ग डेजल फ्लैश ऑफ लाइट एंड कैरीज विंडोज, ए स्मेल ऑफ स्मोक, स्मोक की जो आवाज़ होती, वो स्मोक होती है, उसकी स्मेल होती है, एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, और छक 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 करके इसकी जो आवाज़ होती है एयर की, ट्रेन हर्टल, ट्रेन जो है वो ऐसी लगती है जैसे कि खतरे, डेंजर सी लगती है, खतरा पैदा होकर, बाय क्लेंजिंग, क्लेंजिंग का मतलब होता है लाउड, लाउड साउंड जो होती है हिट करने की, क्लेंजिंग, छिक 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 की जो आवाज़ होती है, एंड जंगलिंग एंड इकोइंग, इकोइंग मतलब जो टनल है उसके अंदर वो आवाज़ गूंज रही है, एंड द वॉल्टेड रूफ ऑफ द टनल, वॉल्टेड रूफ मतलब मोटी मोटी सी जो दीवार है टनल की, उससे टकरा करके इकोइंग पैदा कर रही है। फाइलिस एंड बॉबी क्लंग टू ईच अदर, क्लंग मतलब दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं, टू होल्ड ईच अदर, दैट इज मीन्स क्लंग टू ईच अदर, इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, इवन यहाँ तक कि पीटर भी बॉबी का क्या बाँव पकड़ लेता है,
इन केस शी शाउट शी शुड बी फ्राइटेंड, कि इन केस वो अगर डर जाए, ऐसी एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड, जैसा कि उसने बाद में बताया जब कभी बात हुई होगी। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली, और अब धीरे धीरे और ग्रेजुअली द टेल लाइट्स ग्रू स्मॉलर, ठीक है, जो लाइट्स है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड स्मॉलर और कम होती जाती है, एंड सो डिड द नॉइज, और इसी तरीके से आवाज़ भी, टिल विद, जब तक वन लास्ट विच, लास्ट विच मतलब जब तक कि लास्ट में सनसना, विच मीन्स है कि एकदम से मेकिंग हाई कंटिन्यूस साउंड, विच मीन्स हाई कंटिन्यूस साउंड को जो कहते हैं सर से एकदम से निकल जाना, सनसनाती हुई, टिल वन लास्ट विच ट्रेन गॉट इट सेल्फ आउट ऑफ द टनल, और टनल से बाहर निकल जाती है, एंड द साइलेंस सेटल्ड, और साइलेंस जो होती है बिल्कुल शांति छा जाती है, अगेन ऑन इट्स डैम्प वॉल्स, डैम्प मतलब सीलन भरी हुई दीवालों के अंदर, फिर से और ड्रॉपिंग रूफ टपकती हुई छतों से के अंदर बिल्कुल शांति छा जाती है। तब लास्ट में ये स्टोरी है कि ये टनल, इन अ टनल, बच्चों ने जिस तरीके से इसके अंदर बताया उस तरीके से ई नेस्बिट ने ये स्टोरी लिखी है, एडिथ नेस्बिट जो है 1858 टू 1924 इंग्लिश ऑथर है, हु हैज रोट मोर देन 60 बुक्स ऑफ फिक्शन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए उन्होंने फिक्शन बुक्स लिखी है, उसमें से जो है ये स्टोरी ऑफ ट्रेजर सीकर्स ये इस तरीके से हैं, और इसी तरीके से द रेलवे चिल्ड्रन 1906 के अंदर ये बुक लिखी है, रेलवे स्टेशन उसका ये पार्ट है, इसके ऊपर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं, और ये स्टोरी थी हमारी।